स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पर। आज हम कक्षा 10 के लिए लाए हैं साइंस का मॉडल पेपर नंबर 1। इसमें टोटल जो है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के टोटल 20 प्रश्न हैं। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये जो है अनसॉल्व पेपर है, यानी इसमें टोटल 20 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो यदि वीडियो पर आप पहली बार चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की आप लोग 6 स्थितियाँ पढ़े होंगे। आप लोग को मालूम है कि अवतल दर्पण में एक छठवीं ऐसी स्थिति होती है जिसमें वस्तु का आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु कहाँ रखी जाती है, तो वस्तु रखी जाती है आपके दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट उत्तर होगा। तो हमेशा अवतल दर्पण में जो है आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। यानी अगर जो कुछ शब्दकोश बहुत ही छोटा है, यदि उसको पढ़ना है तो आप कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे। आपके सामने 4 विकल्प है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। याद रखिए कम से कम फोकस दूरी का जो है हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे यदि शब्द कोश छोटा है तो। याद रखिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे यदि हमको शब्द कोश में छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों के फोकस दूरी माइनस का 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस समझौता है। याद रखिए दर्पण और लेंस दोनों आपके अवतल होंगे क्योंकि अवतल लेंस की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल दर्पण की भी फोकस दूरी है जो ऋणात्मक होती है, तो दोनों जो है आपका अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। आप लोग को मालूम है कि मानव नेत्र के दृष्टि पटल यानी जो रेटिना होता है, रेटिना पर ही वस्तु का सदैव प्रतिबिंब बनता है नेत्र लेंस के द्वारा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं फिर वो पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। देखिए जब किसी भी तार को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यदि R प्लस R करेंगे तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 2R। याद रखिए यानी प्रतिरोध जो है आपका दुगुना हो जाएगा। अगर जो उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। तो यदि इसको हल किया जाएगा I² R × T पर तो जो उनकी ऊष्माओं का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1:4, यानी ऑप्शन नंबर C जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु परिपथ को शॉर्ट सर्किट भी कहा जाता है, आप लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए शॉर्ट सर्किट कहा जाता है लघु परिपथ को। तो जब भी लघु परिपथ होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, इस स्थिति में धारा का जो मान है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर C जो होगा राइट उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि वीडियो यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जिसकी सहायता से हम विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं तो क्या कहते हैं, जनित्र कहा जाता है। उसे क्या कहता है, कहते हैं जनित्र कहते हैं। गैल्वेनोमीटर से धारा का संसूचन किया जाता है, एमीटर से धारा का मापन किया जाता है। आप लोग को मालूम है मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, यानी जनित्र के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि एंटीमनी क्या है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। तो याद रखिए एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी है आपका उपधातु। एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी है आपका उपधातु। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। आपके सामने 4 विकल्प है, PbNO3 per 2, उसके बाद है PbNO2 per 2 और PbO। तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका PbNO3 per 2 रहेगा, ठीक है ना। ये आपका लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H4। याद रखिए C2H4 जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोपेनॉल क्रियात्मक समूह है कौन सा है? प्रोपेनॉल क्रियात्मक समूह तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, CHO जो है आपका प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह है प्रोपेनॉल में। उसके बाद है कि एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम एस्टिक अम्ल ही है, एस्टिक एसिड ही है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आपकी है पहला नंबर विकल्प आपका PCl, क्या है PCl5 इजकल टू PCl3 इज प्लस Cl2 जो है ऊष्मा शोषी आपकी अभिक्रिया है। चलते हैं बायोलॉजी के प्रश्नों पर, जीव विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं, ब्रिक का कार्य क्या होता है? तो आप लोग को मालूम है ब्रिक जो है एक उत्सर्जन अंग है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती है कहाँ? पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल में या इन सभी पर? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर होगा, ब्रायोफिल में जो है पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, अनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? आप लोग को मालूम है अनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जो है दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। उसके बाद अगला है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है किसमें होता है? हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न है आप लोग का कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था? तो उद्यान मटर जो है मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। उसके बाद अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये शुक्रवाहिका है, याद रखिए मादा जनन तंत्र का ये भाग नहीं है शुक्रवाहिका, बाकी अंडाशय गर्भाशय और डिंब वाहिनी जो है मादा जनन तंत्र का भाग है, शुक्रवाहिका जो है भाग नहीं है। तो ये आपका मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट था। ऐसे ही इसमें लगभग जो है 20 मॉडल पेपर हम आपको लेकर आए हैं और डेली वाइज डेली जो है एक मॉडल पेपर आपको मिलता रहेगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिएगा। आप लोग अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर, धन्यवाद।